अब हम नेक्स्ट पोर्शन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डिस्कस करने लगे हैं, और वो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। यानी कि इसके अंदर हमने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को देखना है, क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को देखते हैं, दूसरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देखते हैं। तो हमने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को देख लिया, अब हम चल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की तरफ। हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसे अहम होती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि देयर आर 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट ऑक्युपाई आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में तकरीबन 10,000 किस्म की प्रोटीन होती हैं, और ये प्रोटीन अमाइनो एसिड की एक यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस से मिलकर बनी होती हैं। यूनिक का मतलब है कि जो एक प्रोटीन में सीक्वेंस होगी वो दूसरी के अंदर नहीं होगी, और स्पेसिफिक का मतलब है कि अरेंजमेंट अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक होगी। अब हम यहां पर देखते हैं कि यूनिक और स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, यूनिक एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड की कैसे 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बना सकती है जबकि सिर्फ अमाइनो एसिड 20 हो। तो सवाल उठता है कि 20 अमाइनो एसिड 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। तो हमने वो जवाब पहले लिख लिया कि बाय द यूनिक एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। कैसे? अगर आप इन तीन डिजिट्स को देख लें तो 1, 2, 3 है। अब इनकी मैं यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाता जाऊंगा। जैसे मैं 2 को पहले ले आता हूं तो ये बन जाएगा 2, 1, 3। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से 3 को पहले ले आता हूं तो ये बन जाएगा 3, 2, 1। अब मैं 1 को इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा 1, 3, 2। अब अगर मैं 3 को इस तरफ ले आऊं तो ये 3, 1, 2 हो जाएगा। अब अगर मैं 2 को यहां पर ले आऊं तो ये बन जाएगा 2, 3, 1। अब आप देख रहे हो ये 3 डिजिट्स, और भी मैं इसको अगर अरेंज करता जाऊं तो ये अरेंज होते जाएंगे। तो ये 3 डिजिट्स इतने ज्यादा डिजिट्स बना रहे हैं बाई द स्पेसिफिक एंड यूनिक सीक्वेंस। अब ये देखो, ये वाला डिजिट इसके साथ बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, ये सारे के सारे एक दूसरे से यूनिक हैं। तो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स भी इसी तरह यूनिक और स्पेसिफिक सीक्वेंस के जरिए मिलते हैं और एक खास किस्म की प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए हमने कहा देयर आर 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड दीज प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस आर यूनिक सीक्वेंस ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये सीक्वेंस या ये तरतीब आखिर बनाता कौन है? सो दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए मॉलिक्यूल। कि जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर जैसे ही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी वैसे ही सीक्वेंस अमाइनो एसिड की बनती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन फॉर्मेशन में और इसमें के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पर डिपेंड करती है। कैसे? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के ऊपर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बेस करती है। तो हमने एक पोर्शन लिया डीएनए का। अब इस डीएनए के पोर्शन में आप देख रहे हो ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर इस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ये मिलकर इस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और ये मिलकर इस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये वाली सीक्वेंस सी टी ए एलानिन अमाइनो एसिड को कोड कर रही है, टी टी जी ये थ्रियोनिन को, सी सी ए ग्लाइसिन को। तो अब ये सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो ये वाला अमाइनो एसिड यहां पर नहीं लगेगा। तो जैसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस वैसी ही प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। इसलिए हमने कहा
कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी वैसी ही सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की बनेगी। अब एक प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जरूरी क्यों है? अमीनो एसिड की एक खास तरतीब एक प्रोटीन के अंदर क्यों जरूरी है? सो हमने कहा कि अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, कि अगर किसी प्रोटीन ने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को हाईली स्पेसिफिक रहना होगा, वरना वो स्पेसिफिक फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इफ वन अमीनो एसिड डू नॉट ऑक्यूपाई ऑन इट्स नॉर्मल प्लेस, अगर एक भी अमीनो एसिड अपनी मखसूस जगह पर नहीं जुड़ता तो प्रोटीन फेल टू कैरी नॉर्मल फंक्शन, प्रोटीन अपना नॉर्मल काम या फेल सर अंजाम नहीं दे पाएगी। अगर एक अमीनो एसिड मिस हुआ अपने नॉर्मल प्लेस से, प्रोटीन ने काम करना छोड़ दिया, इट फेल टू फंक्शन। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन एक डिजीज है कि जिसमें हीमोग्लोबिन की टाइप ग्लोबुलर टू सिकल शेप हो जाती है। अगर हम इस डिजीज को देखें तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 574 अमीनो एसिड होते हैं या 574 अमीनो एसिड होते हैं, इनमें से एक अमीनो एसिड हर बीटा चेन के अंदर, एक अमीनो एसिड हर बीटा चेन के अंदर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर मौजूद नहीं होता। सो वन अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन डू नॉट ऑक्यूपाई ऑन इट्स नॉर्मल पोजीशन इन ईच बीटा चेन, ताकि आपको भूले ना कि कौन सी चेन में यह तब्दीली आती है। इन 574 में से हर बीटा चेन के अंदर एक अमीनो एसिड अपनी नॉर्मल पोजीशन पर मौजूद नहीं होता और रिप्लेस बाय अदर अमीनो एसिड, और ये दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह पर कोई और लग जाता है। हमने पीछे पढ़ा था हीमोग्लोबिन दो अल्फा और दो बीटा चेन पर मुश्तमिल है, तो दो बीटा चेन जो हैं उनके अंदर एक अमीनो एसिड अपनी मखसूस जगह पर मौजूद नहीं होता, किसी और अमीनो एसिड से वो रिप्लेस हो जाता है। जैसा कि आपको यहां पर बीटा चेन दिखाई गई है, ये जो छठा अमीनो एसिड है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर ये ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन अगर सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये वाला अमीनो एसिड यानी कि ग्लूटामिक एसिड विलीन से रिप्लेस हो जाएगा। जब इसकी जगह पर विलीन लग जाएगा तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की स्पेसिफिक फंक्शनिंग या फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी फेल हो जाएगी। सो ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ वन अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की प्रॉपर मिकदार टिश्यू तक नहीं लेकर जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, एंड दिस लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। इससे जो इस मर्ज में मुबतला पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि अगर इन अमीनो एसिड की सीक्वेंस किसी प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक ना हो तो प्रोटीन अपना काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से इनके पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है, इतने फटल केसेस तक भी वो जा सकते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल।